हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब चैनल द लेडी सागा। इफ यू गाइज डोंट नो मी, आई एम मेघा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर इन 2022। आई विल बी डिस्क्राइबिंग द कम्प्लीट रोड मैप विद द सैलरी डिटेल्स। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एज अ स्किल लास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे रिसेंटली डन बाई लिंक्डइन, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एक ऐसा स्किल है जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टेक स्किल्स में आता है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो यूएस में ये पैकेज $136,000 से ऊपर जाता है। मतलब अगर मैं इंडिया की करेंसी से ये पैकेज कैलकुलेट करूं तो ये 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज है। एशिया में अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो ये पैकेज 60 लाख से ऊपर जाता है। यूरोप की बात करें तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स का पैकेज $73,000 से ऊपर का जाता है। अब ये बात हुई हमारी माइंड ब्लोइंग पैकेजेस की। अब जो कंपनीज ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हायर करती हैं, वो बड़ी कंपनीज से लेकर स्टार्टअप्स तक सभी कंपनीज ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हायर करती हैं। बहुत ही फेमस कंपनीज जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हायर करती हैं, उनमें से कुछ नाम है माइक्रोसॉफ्ट का, IBM, Amazon, Cognizant, Accenture। अब बात करते हैं कि अगर आप भी ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे। आपने बिटकॉइन, एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज का नाम काफी बार सुना होगा। ये काफी हॉट बस टॉपिक है। तो आप सिर्फ इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज पे काम नहीं करेंगे, अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे कि NFTs, Web 3.0। अब इन सभी टेक्नोलॉजीज पे भी काम करेंगे अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनते हैं। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप ब्लॉकचेन की हेल्प से बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो ब्लॉकचेन की हेल्प से अपना यूजुअल काम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए जो एप्लीकेशन डिजाइन की जा रही है वो ब्लॉकचेन की हेल्प से ही डिजाइन हो रही है। कोई भी आप ऐसा एप्लीकेशन अगर डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स करते हुए मिडलमैन को हटाना चाहते हैं, तो उन सभी एप्लीकेशंस को डिजाइन करते टाइम हमें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग हाउ यू कैन बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट बेसिकली ब्लॉकचेन इज। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक प्लस चेन। बहुत सारी ऐसी ब्लॉक्स हैं और ये सारी ब्लॉक्स आपस में लिंक्ड हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एंड सभी ब्लॉक्स में बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है। तो ब्लॉकचेन को आप एक सिक्योर डेटाबेस भी कह सकते हैं। अब जानते हैं कि वो कैसे। आज के टाइम में हम बहुत सारी एप्स यूज करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं एंड उन एप्स एंड उन वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारा डेटाबेस है जो कि सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अगर इंस्टाग्राम का मन किया कि वो आपका पासवर्ड चेंज कर दे तो वो कर सकता है। बट ब्लॉकचेन जो कि एक ऐसा लिंक डेटाबेस का नेटवर्क है, तो अगर हम उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो उस नेटवर्क में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सबको उसके बारे में पता चलेगा। अब जो हमारा नॉर्मल डेटाबेस है जैसे कि MySQL, MongoDB, जो कि बेसिकली मेजरली कंपनीज में यूज होता है, उनसे ब्लॉकचेन थोड़ा डिफरेंट है। अब ब्लॉकचेन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर कौन होता है, बट बिफोर दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, बैक एंड डेवलपर क्या होता है और फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट को यूज करते हैं, जो आपको फ्रंट में सबसे पहले वेबसाइट का डिजाइन दिखता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, लॉग इन डिटेल्स, साइन अप, पेमेंट डिटेल्स, या अगर कोई आप ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हो तो उसमें जितना भी कार्ट में आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जो कि फ्रंट पेज पे गैलरी में जो भी एक्सेसरीज दिख रहे हैं, अपैरल्स दिख रहे हैं, तो वो जो भी आपको फ्रंट में दिख रहा है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन करता है। बैक एंड में जितना भी डेटाबेस स्टोर होता है, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मिंत्रा एक ऐप है, ठीक है, उसमें बहुत सारा कैटलॉग है, बहुत सारे फुटवेयर्स का, हैंडबैग्स का, शूज का, ज्वेलरी का, तो उसका सारा जो डेटाबेस है वो कोई ना कोई मैनेज कर रहा होगा बैक एंड पे। तो वो सारा हम देखते हैं कि सेल लगती है तो प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं, कई बार प्राइसेस हाइक हो जाते हैं, हम कार्ट में कोई आइटम ऐड करते हैं तो वो जनरली स्टॉकआउट शो हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बैकएंड से कोई ना कोई उसे मैनेज कर रहा होता है, वो काम होता है बैकएंड डेवलपर का। फुल स्टैक डेवलपर का क्या काम होता है? फुल स्टैक डेवलपर इन दोनों टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, बैकएंड प्लस फ्रंट एंड। अब ब्लॉकचेन डेवलपर क्या होता है?
ब्लॉकचेन डेवलपर फ्रंट एंड पे भी काम कर सकता है, बैक एंड के साथ भी इंटीग्रेशन में काम कर सकता है। ब्लॉकचेन डेवलपर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड दूसरे होते हैं आपके कोड डेवलपर्स। इंडिया में मोर देन 90% जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर्स ऑलरेडी बिल्ट ब्लॉकचेन पर नई एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं। अब आप सबको पता है बिटकॉइंस एथेरियम के बारे में एंड अब आप उससे रिलेटेड एक ट्रेडिंग ऐप को बनाना चाहते हैं कि जहां से लोग बिटकॉइंस को सेल कर सके, वहां से बिटकॉइंस को खरीद सके, मतलब बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन को कर सके। तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पर नई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो इस केस में हम आपको एप्लीकेशन डेवलपर बोलेंगे। अगर आप कोई भी नई क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में किसी भी तरह के चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं, उस तरह का जो भी कोर काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोर डेवलपर्स। इंडिया में एप्लीकेशन डेवलपर्स रिलेटिवली ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द कोर डेवलपर्स। अगर आप कोर डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो आपको मेजरली तीन लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। वो तीन लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी? पहली होगी गोलैंग, देन C++, देन थर्ड वन होगी आपकी रस्ट। एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए जो सबसे पहली लैंग्वेज एंड सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो आपको सीखनी पड़ेगी वो होगी सॉलिडिटी। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो कि पूरा का पूरा सॉलिडिटी के ऊपर बेस्ड होता है। सॉलिडिटी इथेरियम नाम की ब्लॉकचेन पर डेवलपमेंट यूज करने के लिए होता है। दूसरी लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें। अगर आप सॉलिडिटी और जावास्क्रिप्ट इन दोनों को सीख लेते हैं तो आपकी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की आप 99.99% स्किल गेन कर लेते हैं। काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बैक एंड डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट की बजाय पाइथन में करना प्रेफर करती हैं। तो पाइथन में एक जेंगो नाम का फ्रेमवर्क होता है, आप उसे भी सीख सकते हैं। फॉर बिगनर लेवल जावास्क्रिप्ट एंड सॉलिडिटी को ही रिकमेंड किया जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, आपको इससे बहुत सारे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा इंटरनेट पर। नाउ वील बी डिस्कसिंग कि एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आप क्या काम करेंगे। एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाएंगे। अब होता क्या है कि ब्लॉकचेन के हर नोड पर, हर ब्लॉक में एक कोड स्टोर्ड होता है। वो कोड किस तरीके का हो सकता है? सपोज आपने क्रिप्टो करेंसी के बेस पर कोई भी एक नई एप्लीकेशन डिजाइन की तो एंड वहां उस एप्लीकेशन में आपने कंडीशन डाल दी कि जैसे ही मंथ का एंड आए तो बिटकॉइंस की हेल्प से आपके जितने भी बिल्स हैं वो सभी बिल्स पे हो जाएं। इस तरह की कंडीशन हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिख सकते हैं जिससे हमारी ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल होती हैं। अब अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन एक्सचेंज करना है तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। अब आप देखें, आप कोई भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री होती हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एंड जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका गवर्नमेंट वेरीफाइड होता है। इसी तरीके से आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं कोड की हेल्प से एंड उसे ब्लॉकचेन रेकग्नाइज भी करता है एंड उसे फॉलो भी करता है। एक बार आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया एंड उसे ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हम मोस्टली ब्लॉकचेन का यूज करते हैं एंड जो ब्लॉकचेन का हम यूज करते हैं वो है इथेरियम। अगर आप कोई और ब्लॉकचेन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए उस ब्लॉकचेन को यूज करने का, क्योंकि इंटरनेट पे जो मैक्सिमम ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो ट्यूटोरियल्स हैं, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आपको इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही मिलेंगी। अब इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। सॉलिडिटी लैंग्वेज है वो जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। अब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए हम सिर्फ लैंग्वेज का यूज नहीं करते बल्कि बहुत सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का भी यूज करते हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जिसका हम यूज करते हैं मेजरली वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम फ्रंट एंड पर, बैक एंड पे एंड ब्लॉकचेन से जो भी इंटरैक्शन है वो सारा का सारा इंटरैक्शन हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिएक्ट जेएस नाम की लाइब्रेरी होती है जिसका हम मेजरली यूज करते हैं। नोड जेएस नाम का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक्सप्रेस जेएस होता है जिसे बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। Web3.js नाम का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करें उसे बेसिकली यूज किया जाता है।
दूसरी टेक्नोलॉजी जिसका मेजरली यूज किया जाता है वो है आपकी ट्रफल। ट्रफल एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम जितने भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें लिख पाते हैं। ट्रफल आप अपने पीसी में भी सेटअप कर सकते हैं। ये ट्रफल जो होता है ये पूरा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए जितना भी आपका एनवायरनमेंट है उसे क्रिएट कर देता है। आप अपने कोर्स को टेस्ट भी कर सकते हैं एंड डिप्लॉय भी कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर। थर्ड टेक्नोलॉजी जिसका ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में यूज किया जाता है वो है गनाश। अब अगर हमें किसी भी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को होस्ट करना है तो हमें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी एंड उस प्लेटफॉर्म में हमें अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। बट गनाश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को टेस्ट भी कर सकते हैं एंड डिप्लॉय भी कर सकते हैं, दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। गनाश के अंदर आपको कुछ फ्री टेस्ट अकाउंट्स एंड कुछ फ्री इथेरियम अकाउंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 10 टेस्ट अकाउंट्स मिल जाते हैं और 100 इथर्स मिल जाते हैं, बट ये इथर्स फेक होते हैं। इसकी हेल्प से आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। एक बार आपने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करके देख लिया, डिप्लॉय करके देख लिया कि उसके अंदर कोई भी एरर्स नहीं है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को इथेरियम के मेन नेट पर लॉन्च कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। फोर्थ टेक्नोलॉजी जिसका हम मेजरली यूज करते हैं उसका नाम है मेटामास्क। जब भी कोई ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन है जिसके साथ हम इंटरैक्शन करना चाहते हैं तो वो इंटरैक्शन जो होता है वो ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में होता है। हमारे जितने भी नॉर्मल ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, वो इन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं करता है। उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है इथेरियम वॉलेट की। उस इथेरियम वॉलेट पे हम इथर्स को स्टोर कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को करने के लिए। मेटामास्क को हमें एज अ वेब ब्राउजर एक्सटेंशन स्टोर करना पड़ता है एंड उसके बाद हमने जो भी ब्लॉकचेन पर एप्लीकेशन को डिजाइन किया है वो हम यूज कर सकते हैं, उससे हम ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। अब हमने ब्लॉकचेन डेवलपमेंट तो सीख ली, बट आगे क्या कि अगर आप जॉब लेना चाहते हैं इसके लिए आपको एक वेब डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। क्यों वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग आपको आना चाहिए? क्योंकि यूजर्स के पास जब आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाले हो वो इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट होगी। उनको नहीं पता कि बैक एंड पे क्या काम चल रहा है, तो फ्रंट एंड पे एक वेबसाइट का भी आपको प्रॉपरली एक काम आना चाहिए जिसपे आप अपनी ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकें। थर्डली, अगर आपको क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज है दैट विल बी अ एड ऑन एडवांटेज। फोर्थली, अगर आपने ये सारे स्किल्स गेन कर लिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कीजिए, बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स कीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिज्यूमे बिल्ड होना स्टार्ट होगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। इसे आप नौकरी पे डाल सकते हैं, मॉन्स्टर पे, लिंक्डइन पे। इससे आपके इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज है, आपने इससे रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको इसका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आप इससे बहुत से फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी ले सकते हैं या फिर एक फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज के टाइम में सॉलिडिटी डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है क्योंकि इन इंडिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी सॉलिडिटी डेवलपर्स हैं आज के टाइम में बहुत कम है, तो इन्हें जितने भी पैकेजेस हैं वो उनकी डिमांड पे मिल रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब्ड इट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।